अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुमल शहजाद। टुडेज टॉपिक इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। छोटा सा टॉपिक है और अब जितने भी हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म हो गए, बस अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रह गया जो हम थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या टॉपिक है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। हमने कल जो सीरियन फीचर्स किए थे उसमें जो है वो मैंने बताया था कि चाइना में एक ही पार्टी है जो कि रूल करती है, उसके साथ छोटी छोटी 8 पार्टीज हैं जो कि मिलकर एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाती हैं। तो वैसे तो हर बार पावर में यही पार्टी आती है, तो ये ओनली पावरफुल पार्टी है स्टेट की। ये पार्टी जो है चाइना को, जब से चाइना आज़ाद हुआ है ना, कम्युनिस्ट चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आज़ाद हुआ है ना, जब से सक्सेसफुली रूल कर रही है। चाइना 1948 में आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो जब से चाइना आज़ाद हुआ है तब से ये पार्टी रूल कर रही है। अच्छा, अब इस पार्टी ने हर तरह के क्राइसिस से चाइना को निकाला, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर पेंडेमिक का मसला हो। अब देखते हैं कितने सक्सेसफुली इन लोगों ने जो है अपनी कंट्री को हर तरह के क्राइसिस से बाहर निकाला है। आजकल जो है इस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है, या मतलब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, ठीक है, चेयरमैन भी है पार्टी के। और ये माना जाता है कि ये जो है ना कंट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट हैं माओ माओ के बाद, ठीक है, जी जिनपिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। उन्होंने कंट्री का नक्शा बदल के रख दिया एक तरह से, और कंट्री को इकोनॉमिक सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। और एक जन क्या है इस पार्टी का, कि पार्टी जो है ना ली डाओ एंड चन डॉक्सियो ने एक मूवमेंट में स्टार्ट की थी, ठीक है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था चाइना में, चांग काई शेक की हुकूमत के खिलाफ माओ और कुछ बड़े लीडर्स थे, उन्होंने खड़ा किया था और उन्होंने एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर दी थी। तो उस दौरान में उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी थी, ठीक है। इस पार्टी के जो आइडियाज़ हैं वो मार्क्स और लेनिन के कम्युनिस्ट आइडियाज़ पे बेस्ड करते थे। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी, ये एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे ये पार्टी, ठीक है, ये रेवोल्यूशन लेकर आई थी प्रोलेटेरियट्स के लिए। उस टाइम पे चाइना कैपिटलिस्ट होता था, ठीक है, चांग काई शेक के टाइम में, और अमेरिका वो उसकी जो है एक तरह से ऊपर था, उसको फंड करता था चांग काई शेक को। लेकिन जब माओ आ गया तो हालात खराब हो गए थे, आप सबको पता है ना। फिर हमने निक्सन के साथ विजिट करवाया था 1950s में, जो है हमने ही इनका एक क्या नाम है उसका, किसिंजर को भी मिलवाया था और निक्सन को भी मिलवाया था 50s में, क्योंकि इनके हालात ख़राब थे, इनके रिश्ते ख़राब हुए थे। क्यों? क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था और USA कैपिटलिस्ट कंट्री था, ठीक है। अच्छा, ये पार्टी जो है इसकी बेस तीन चीज़ों पर है, तीन पिलर्स हैं इस पार्टी के। एक तो है प्रोपेगेंडा, ठीक है, प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं, सही को गलत, गलत को सही करके लोगों को बताते हैं, लोग उसे मान लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, पीपल लिब्रेशन आर्मी। ये पार्टी एक्चुअली में दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी को कंट्रोल कर रही है, पीपल लिब्रेशन आर्मी, मतलब चाइना की जो आर्मी है उसका नाम है पीपल लिब्रेशन आर्मी, उसको कंट्रोल करें। एंड पर्सनल्स, इनके जो पर्सनल्स हैं जो पार्टी में काम करते हैं उनके थ्रू ये पार्टी जो है ना, मतलब ये तीन चीज़ों के थ्रू पार्टी अपना काम चला रही है और कंट्री को इसने कंट्रोल किया है तीन चीज़ों के थ्रू, प्रोपेगेंडा, पीपल लिब्रेशन आर्मी एंड पर्सनल्स। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास, कि इसमें ज़्यादातर मेम्बर्स जो हैं वो मेल्स हैं, और मेल्स जो हैं वो लेबर क्लास के जो मेल्स हैं वो 30% बनाते हैं, ठीक है, जिनमें फिशरमैन, हर्ड्समैन, फार्मर्स ये सब आ जाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर जो है ना वर्किंग क्लास के लोग इस पार्टी में मौजूद हैं। स्ट्रक्चर क्या है इस पार्टी का, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ आए तो पूछ भी सकते हैं। ये पार्टी जो है ना प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन पर बेस कर रही है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सेलेंट फीचर्स पढ़े थे। तो मेंबर ऑफ द पार्टी जो है ना वो क्या करते हैं, मतलब जो CCP के लोग हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, 5 साल में ना एक पार्ट मतलब कांग्रेस मीटिंग को कन्वीन करते हैं, ठीक है, एक मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है। उस मीटिंग में क्या करते हैं, ये सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। पार्टी के लोग बैठे, मीटिंग हुई,
5 साल में एक दफा बैठे, एक मीटिंग हुई, सेंट्रल कमेटी बना दी 5 साल के लिए। अगले 5 साल तक वो सेंट्रल कमेटी जो है वो काम करेगी। इस सेंट्रल कमेटी के तकरीबन 370 लोग होते हैं, 370 मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स जो है मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, प्रोविंशियल लीडर्स भी हो सकते हैं, सीनियर रेगुलेटरी ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेट भी करता जाता है, ठीक है। इस कम्युनिटी मतलब ये जो कमेटी है ये सीसीपी के लिए एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करती है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, इसका क्या काम है, सेंट्रल कमेटी का क्या काम है, ये इसका सीधा सा काम क्या है, ये पॉलिट ब्यूरो के लोगों को इलेक्ट करते हैं। पॉलिट ब्यूरो क्या होता है, ये पॉलिट ब्यूरो एक्चुअली में ना कम्युनिस्ट पार्टी का तकरीबन सारा काम पॉलिट ब्यूरो संभालता है, ठीक है। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करनी है, जितनी भी पॉलिसी मेकिंग करनी है, सब पॉलिट ब्यूरो संभालता है। वैसे तो इसके 25 मेंबर्स होते हैं, ये प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है कम्युनिस्ट पार्टी में, ठीक है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्ट लिखा हुआ, पार्टी आना था। और इसके अलावा इस जो पॉलिट ब्यूरो का क्या काम है, ये सेलेक्ट करती है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मिलकर किन लोगों को चुनते हैं, सेंट्रल कमेटी को 5 साल के लिए। सेंट्रल कमेटी के 370 मेंबर्स होते हैं। ये सेंट्रल कमेटी पॉलिट ब्यूरो के लोगों को चुनती है जो कि 25 होते हैं। पॉलिट ब्यूरो के जो लोग होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को चुनते हैं बैकडोर निगोशिएशंस के थ्रू, ठीक है। पॉलिट ब्यूरो ने स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को चुन लिया है। ये नॉर्मली लोग 5 से 9 की तादाद में होते हैं और ये एपी सेंटर है पावर का और लीडरशिप का। मतलब आप समझ लें कि जितने यहाँ पर ये जो 5 से 7 लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी के, ठीक है। ये एपी सेंटर है पावर का और लीडरशिप का। अच्छा, जी जिनपिंग प्रेसिडेंट जो जी है, और ये जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, ठीक है। ये इस स्टैंडिंग कमेटी के भी पार्ट हैं। कंट्री में टॉप पोजीशन इनके हाथ में है, मिलिट्री फोर्स के भी हेड यही हैं और इनकी स्टैंडिंग कमेटी में 7 लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है पावर का। अच्छा, कंट्री क्या कर रही है, कंट्री ने अपना होल्ड रखा हुआ है, कैसे कंट्री मतलब कंट्री ने सॉरी जो कमेटी है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसने पूरी कंट्री को अपने होल्ड में कैसे लिया हुआ है। तो जितने भी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पोस्ट है ना स्टेट के, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और स्टेट प्रेसिडेंट, सब के सब कम्युनिस्ट पार्टी से आ रहे हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी से ही जब सब लोग आ रहे हैं, सबकी एक ही आइडियोलॉजी है, सब अपनी मर्जी से कंट्री को चलाने की कोशिश करेंगे। आई मीन जैसे जो पार्टी लाइन्स हैं उनके ऊपर कंट्री को चलाने की कोशिश करेंगे, या पार्टी का मैनिफेस्टो है उसकी मर्जी से के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे। और इनको किसी तरह की हिंड्रेंस भी नहीं देखनी पड़ेगी, फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके सबका एक ही मैनिफेस्टो है, सबके सब एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग जितने भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावरफुल सीट्स पर आते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं, वो सीजीपी से आते हैं। अच्छा, फिर क्या है, सो ड्यू टू दिस पोस्ट द लीडर ऑफ द पार्टी इज द अल्टीमेट लीडर ऑफ द कंट्री। तो आपको पता है कि जैसे ये पार्टी जो है ये काम कर रही है सारे लोगों के लिए, ठीक है, कंट्री के लिए, तो यही पार्टी जो है क्या कर रही है कि कंट्री की अल्टीमेट लीडरशिप भी इसी पार्टी के हाथ में है, क्योंकि इसी पार्टी से ही सारे लोग आ रहे हैं और प्रेसिडेंट भी इसी पार्टी से आ रहा है, तो कंट्री का लीडर इसी पार्टी का मेंबर होगा। इसका क्या काम है कि कंट्री में थ्रू आउट अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना है, सीसीपी ने अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना कंट्री के, ठीक है, जितने भी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं, इस पार्टी ने अपने मेंबर्स को उन इंस्टीट्यूशंस में डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। स्टेट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में इसने अपने मेंबर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। तो मतलब आप समझ लें कि कंट्री के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब क्या कर रहे हैं, इस पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो सेंट्रल अथॉरिटी पॉलिट ब्यूरो कह रहा है वो इन्हें काम करना पड़ रहा है, ठीक है। और वो एक ही उनको इनका फोकस है, एक ही डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो सीसीपी के अगेंस्ट कोई भी डिपार्टमेंट नहीं जा सकता, और लिटरली अगर कोई बोलता भी है ना तो वो गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे केसेस आए थे डिक्टेटरशिप के दौर में, तो वहां पर भी ऐसे होता है, क्योंकि डिक्टेटरशिप है ना एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की,
अच्छा, फिर हर स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में भी इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने हाई ऑफिशियल्स डिप्लॉय किए हुए हैं, मतलब वहाँ स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें इनके हाई ऑफिशियल्स हैं, जो कि स्टेट की फंक्शनिंग को अपनी स्वीट विल, मतलब अपनी इन सेंस के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, उसकी स्वीट विल के मुताबिक उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने और रेगुलेट करने हैं। तो इस तरह इन्होंने पूरी कंट्री को अपने काबू में किया हुआ है। मतलब आप समझ लें, कंट्री का कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का बंदा ना मौजूद हो, और अगर वो इंसान मौजूद भी है ना, तो वो किसी छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं है, वो किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे मौजूद है, और वो एक तरह से सीसीपी के ही इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए वहां मौजूद हैं। फाइन, फिर पावर्स, पावर्स क्या है इसकी? तो ये कुछ पावर्स मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो सोल रूलर ऑफ चाइना है। सारी की सारी पॉलिसी, सारे के सारे लॉज कौन बना रहे हैं? सीसीपी बना रही है, क्योंकि यही हमेशा लेजिस्लेशन में बैठती है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं ना। वो जो 8 पार्टीज, जो छोटी छोटी पार्टीज मौजूद हैं, वो सब तो इसी के अंडर आ रही हैं, वो इसी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो ये सोल जो है वो लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। देन क्या है, रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड कंसनट्रेटेड ऑल द पावर्स इन इट। ठीक है, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री, यही चला रही है, सारी पावर इसके हाथ में है। फिर पार्टी के पास क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मी। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पार्टी ने जो है, वो जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, आर्म फोर्सेस का हेड है, आर्म फोर्सेस का हेड है, और प्रेसिडेंट कहाँ से आ रहा है, सीसीपी से आ रहा है। तो एक्चुअली में सीसीपी के पास इस आर्मी का होल्ड है। ठीक है, लेजिस्लेचर ऑब्वियसली कंट्रोल कर रहा होता है, पीस ऑफ वॉर ट्रीटीज को वो इतना से रेटिफाई कर रहा होता है। तो पीपल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल किसके पास है, इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास है, क्योंकि हमेशा इसी ने तो लेजिस्लेचर में बैठना होता है। फिर ऑल द लीडर्स एंड हाई ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट बिलोंग टू दिस पार्टी। ये इस कंट्री में, चाइना में जितने भी लीडर्स हैं और हाई ऑफिशियल्स हैं स्टेट के, वो सब के सब इसी पार्टी से बिलोंग कर रहे होते हैं और इसी पार्टी से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना। और आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, और जो है अपनी क्यूरीज के आंसर मैं आपको करूँगी इंशाल्लाह। कमेंट्स में पूछ रहे हैं या मैसेज करके पूछ रहे हैं, मेरे पास मेरा नंबर है। तो थैंक यू, लेक्चर ख़त्म हुआ।